हाय गाइस, यूनियन बैंक का जो डेबिट कार्ड अप्लाई करा, ऑनलाइन अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद आपका डेबिट कार्ड घर पे नहीं आया। एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, चार हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, डेबिट कार्ड आपका घर पे नहीं आया, आपका घर का एड्रेस पे नहीं आया। अब डेबिट कार्ड नहीं आया उसका क्या रीजन है, आप चेक भी कर सकते। तो कैसे चेक करना आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक टिप विश्वजीत। डेबिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको टैग कर सकते, टैग बोलो तो आप चेक कर सकते। तो कैसे कैसे चेक करना एक के बाद एक स्टेप आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। आप लैपटॉप पे भी चेक कर सकते, मोबाइल से भी चेक कर सकते। कैसे कैसे चेक करना आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो शुरू करो। गाइस, लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद आपका यूनियन बैंक का जो डेबिट कार्ड अप्लाई करे, अप्लाई करने के बाद आप टैग कर सकते, आपको बताया था। तो जो मैं डेबिट कार्ड अप्लाई करा, मेरा डेबिट कार्ड अभी तक आया नहीं, मैं 20 तारीख को अप्लाई करा। कैसे कैसे चेक करना आपको एक के बाद एक स्टेप आपको बताएंगे। गाइस, गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्च करिए। यूनियन बैंक का जो वेबसाइट है यहाँ पे खुल जाते। तो यूनियन बैंक का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे खुल जाते। यहाँ पे देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोल के जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, अप्लाई ऑनलाइन बोल के जो लिखे से यहाँ पे देखिए, अप्लाई ऑनलाइन को यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन डेबिट कार्ड अप्लाई बोल के यहाँ पे जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको बताया था कैसे कैसे डेबिट कार्ड आप अप्लाई करना। यहाँ पे देखिए, डेबिट कार्ड अप्लाई करने का पहला ऑप्शन है, मेरा डेबिट कार्ड को टैग करना। मेरे को डेबिट कार्ड में जो अप्लाई करा मेरा को नहीं मिला। मेरे को क्यों नहीं मिला, वो डेबिट कार्ड मेरा कैंसिल हो गया, क्या हो गया बोले तो मेरे को चेक करना पड़ता। तो वो चेक करके आपको लाइव बताएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस, यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट आईडी जो मैं रिक्वेस्ट करा था, वो रिक्वेस्ट करने का टाइम वहाँ पे एक आईडी मिला था मेरे को, वो आईडी यहाँ पे देना पड़ता। देने के बाद नीचे बॉक्स को टिक करना पड़ता, करे तो आपको डिटेल्स आपको मिल जाते। मैं रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। गाइस देखिए, मैं रिक्वेस्ट जब करा था वो आईडी नंबर डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए एक बॉक्स है, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो कैप्चर करना पड़ता। गाइस देखिए, फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा डिटेल्स आ गया। मैं जो लैपटॉप से जो डेबिट कार्ड अप्लाई करा था कैसे कैसे चेक करना आपको पूरा लाइव बताया। आप मोबाइल से भी कैसे चेक कर सकते, जैसा मैं यू मोबाइल से कैसे डेबिट कार्ड अप्लाई करना वो भी मैं वीडियो में बताया, वो भी कैसे चेक करते वो भी आपको बताएंगे, आपको लाइव बताएंगे कैसे कैसे चेक करते। अभी देखिए, मैं लैपटॉप से आपको पूरा वीडियो में बताया डेबिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आप कैसे कैसे चेक कर सकते। यहाँ पे देखिए, आपका रिक्वेस्ट आईडी आ गया, आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, कौन सा डेट पे आप अप्लाई करते वो डेट भी आ गया। आप ऐसे करके चेक कर सकते, जैसा आप रिक्वेस्ट डाले, अब डेबिट कार्ड के लिए आप रिक्वेस्ट डाले, डेबिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आपका डेबिट कार्ड घर पे नहीं आया, जैसा मेरा डेबिट कार्ड नहीं आया, तो मैं टैग कर सकते, मैं चेक कर सकते कहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड है बोल के। तो ऐसे करके आप डेबिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आप चेक भी कर सकते। 20 तारीख को मैं अप्लाई करा था तो अभी तक मेरे को नहीं मिला। मैं 20 तारीख को मैं डाला बोले तो मेरे को 11 दिन हो गया, मेरा डेबिट कार्ड अभी तक आया नहीं। तो क्यों नहीं है उसके लिए मैं चेक करा, आपको लाइव वीडियो में भी बता कैसे कैसे चेक करना एक के बाद एक स्टेप आपको बताया। अभी मोबाइल से, यू मोबाइल जो ऐप से, उसमें से भी आपको बताएंगे। अब देखिए गाइस, यूनियन बैंक में जो डेबिट कार्ड अप्लाई करा, यूनियन बैंक का जो ऑनलाइन डेबिट कार्ड अप्लाई करे, अप्लाई करने के बाद आप डेबिट कार्ड कैसे आप चेक करते, कैसे टैग करते। जैसे आप डेबिट कार्ड आपका घर पे नहीं आया तो कैसे करना आपको लैपटॉप पे भी बताया, आप फ़ोन से भी आपको बताएंगे आप कैसे कैसे आप चेक कर सकते यू मोबाइल ऐप से। यू मोबाइल ऐप्स लॉगिन कर लीजिए। गाइस देखिए, यू मोबाइल ऐप्स मैं लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद देखिए, यहाँ पे डेबिट कार्ड बोल के जो लिखे से डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद डेबिट कार्ड बोल के लिखे से आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद गाइस देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल आईडी कार्ड जो बोल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको गूगल क्रोम पे लेके चला जाता है। गूगल क्रोम पे लेके जाने के बाद देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो लिखे से ऑनलाइन डेबिट कार्ड बोल के वो सिलेक्ट नहीं करना, दूसरा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना।
आपका टैग करने के लिए, आपको चेक करने के लिए, आपका डेबिट कार्ड जो अप्लाई करें आपका कार्ड कैंसिल हो गया क्या हो गया आप चेक करने के लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जो ऑनलाइन डेबिट कार्ड अप्लाई करें आपको रिक्वेस्ट आईडी मिला, आपको रिक्वेस्ट जब डाले रिक्वेस्ट आईडी मिला वो रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स है बॉक्स को टिक कर देना, टिक कर तो आपको डिटेल्स पूरा आ जाता। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी डाल देता हूँ, जो रिक्वेस्ट मैं डाला था डेबिट कार्ड के लिए मैं रिक्वेस्ट आईडी डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं डेबिट कार्ड जब अप्लाई करा था तो रिक्वेस्ट आईडी मेरे को जो मिला था रिक्वेस्ट आईडी मैं डाल दिए। डाल देने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स आ रहे बॉक्स को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करे तो आपको डिटेल्स देखिए आपका आ गया। आप फोन से भी आप चेक कर सकते हैं, आपका देखिए रिक्वेस्ट आईडी आ गया, आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, आप कौन सा डेट पे आप रिक्वेस्ट डाले वो भी आ गया। तो ऐसा करके आप चेक कर सकते हैं, आपका कैंसिल हुआ तो भी यहाँ पे आपको बता देता। आप जो अप्लाई करें अप्लाई करने के बाद आपका कैंसिल हो गया तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेबिट कार्ड जो अप्लाई करे रिक्वेस्ट जब डाले वो कैंसिल हो गया क्या वो भी आप चेक कर सकते हैं। गाइस आपको लैपटॉप पे भी बताया कैसे कैसे चेक करना, फोन से भी बताया तो कैसे कैसे चेक करना। और फोन से भी डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते, लैपटॉप से भी कर सकते, डेस्कटॉप से भी कर सकते हुए जैसा डेस्कटॉप पे मोबाइल पे किससे भी आप डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते। डेबिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आपका डेबिट कार्ड नहीं आ रहे, एक महीना हो गया आपका डेबिट कार्ड घर का एड्रेस पे नहीं आए तो यहाँ पे बता रहे 7 दिन में आपका डेबिट कार्ड घर के एड्रेस पे आ जाते बोल के बता रहे। तो डेबिट कार्ड क्यों नहीं आया उसका रीजन जानने के लिए आप ऐसे करके आप चेक कर सकते, चेक करके आप जानकारी कर सकते मेरा डेबिट कार्ड मेरा घर का एड्रेस पे क्यों नहीं आया। जैसा आप बैंक का एड्रेस पे आप सिलेक्ट करें तो बैंक को जाके आप पूछना पड़ता डेबिट कार्ड का जो रीजन क्या है आप जान सकते, आप ऐसा करके ऑनलाइन चेक भी कर सकते। गाइस पूरा वीडियो में डेबिट कार्ड अप्लाई करने के बाद आप टैग कैसे कर सकते, आप चेक कैसे कर सकते, कैसे कैसे आप चेक करना आपको पूरा वीडियो में बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल पे करिए, वीडियो डाल तो नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते। यही जानकारी देना था, शुक्रिया, बाय।